जेडीयू से रिश्ता तोड़ने के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा विरासत बचाओ नमन यात्रा निकालेंगे। उपेंद्र कुशवाहा इस यात्रा की शुरुआत चंपारण से करेंगे और इसका ऐलान करने के बाद कुशवाहा ने कहा कि हम तो महापुरुषों का चरण छूने जा रहे हैं, साथ ही लोगों को भरोसा देने जा रहे हैं कि जनता के सहयोग से 15 साल वाला राज नहीं आने देंगे। इस यात्रा की शुरुआत 28 फरवरी से होगी और इस यात्रा के दौरान उपेंद्र कुशवाहा बिहार के 25 जिलों में जाएंगे। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की हालत दयनीय हो गई है। सबसे पहले प्रारंभ में पार्टी की ओर से विरासत बचाओ नमन यात्रा नाम से कार्यक्रम हमने तय किया है। विरासत बचाओ नमन यात्रा, यह यात्रा हमारे साथियों ने कई महापुरुषों से जुड़ी हुई धरती का सिलेक्शन किया है। बिहार के विभिन्न जिलों में सब जगह हम लोग जाएंगे और वहाँ उनको याद करेंगे, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। नीतीश कुमार जी बिहार के इतने लंबे काल सबसे ज्यादा दिनों के मुख्यमंत्री और उनको अपने अपनी मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य के इंतजार में, किसी सरकारी कार्यक्रम में 2 घंटा 2.5 घंटा इंतजार करना पड़े, यह देखकर अंदर से मन बहुत दुखी होता है। क्या स्थिति हो गई नीतीश कुमार जी की, 2.5 घंटा 2 घंटा नीतीश जी इंतजार करें अपनी मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य के लिए, और वह भी कोई बाहर से आ रहा हो, फ्लाइट में देरी हो गई, कोई और कारण हो गया बड़ा, वह नहीं पटना में रहते हुए अपने घर से निकलकर 4 कदम की दूरी पर 10 मिनट में जाना है और वहाँ मुख्यमंत्री जी को इंतजार करना पड़ा। अब उनकी ऐसी व्यवस्था देखकर हम लोगों को भी अंदर से बड़ी